हेलो ब्रो, और ये हमने क्लिनिकल एनाटॉमी सीरीज, और आज हम देखने वाले अपने पूरे टेसिस के क्लिनिकल एनाटॉमी के पॉइंट। और देखो यहाँ पे मेन सिर्फ चार इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और मैं चारों को डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्लियरली पता होता है अपना टेस्टिस जो है, जब उसका डेवलपमेंट होता है तब वो अपना प्रेजेंट होता है लंबर रीजन में, बाद में फिर वो डिसेंड करता है और नीचे अपना स्क्रॉटम में आ जाता है। तो याद रखना, कभी कभी क्या होता है अपना टेस्टिस जो है वो अपना स्क्रॉटम के अंदर नहीं आता, डिसेंड नहीं करता और वो अनडिसेंड रह जाता है, और इस कंडीशन का हम बोलते हैं अनडिसेंड टेस्टिस और अपना क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। और देखो जो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म जो है, यहाँ पे सिर्फ टेस्टिस क्या है, डिसेंड नहीं हुई है, यहाँ पे टेस्टिस अपनी फुल्ली फंक्शनल होती है, टेस्टिस अपना काम करती है, बस यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता। क्योंकि आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अपने बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो अगर किसी की टेस्टिस अगर नीचे की तरफ डिसेंड नहीं हुई है तो वो सिर्फ अपना यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है अपनी नहीं हो पाती। ये कंडीशन जो है अपन सर्जरी करके अपन ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म जो है तो अपन क्या करते हैं, इसकी सर्जरी कर सकते हैं, और सर्जरी से फिर अपन उसको अपनी करेक्ट पोजीशन में अपन डिसेंड करवा सकते हैं। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो अपना होता है एक्टोपिक टेस्टिस। तो देखो एक्टोपिक टेस्टिस आप नाम से समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है अपना टेस्टिस डिसेंड होकर अपना आता है स्क्रॉटम में। तो अगर अपना टेस्टिस अपन डिसेंड होकर स्क्रॉटम में नहीं आता और अगर एबनॉर्मल पोजीशन में चला जाता है, मान लो अपना थाई के इंटरनल में अपना प्रेजेंट होता है फीमोरल कैनाल, अगर वो फीमोरल कैनाल के अंदर जा सकता है, देन इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एप्टोपिक टेस्टिस। मतलब एप्टोपिक टेस्टिस का मतलब क्या है कि अपना टेस्टिस जो है अपना एबनॉर्मल पोजीशन में जा चुका है, उसके अंदर डिसेंट ऑफ टेस्टिस जो है करेक्टली नहीं हुई है और वो एबनॉर्मल पोजीशन में जा चुका है अपना टेस्टिस। अब टेस्टिस अपना फीमोरल कैनाल में जा सकता है, टेस्टिस अपना जो है अपनी पेनिस के स्किन के अंदर जा सकता है, उसके अलावा टेस्टिस जो है अपनी फ्रंट ऑफ थाई में, और अपनी ये तो पेनिस की स्किन है उसके अंडर भी जा सकता है। ये सारी कंडीशन अपनी होती है एप्टोपिक टेस्टिस। देन जो अपना थर्ड इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट जो है वो अपना होता है हर्मेटोफ्रोडाइटिस। तो हर्मेटोफ्रोडाइटिस के अंदर क्या होता है, बंदे के अंदर जो है टेस्टिस एंड ओवरी दोनों प्रेजेंट होती है, मतलब आधा मेल और आधा फीमेल होता है उसके अंदर टेस्टिस ओवरी दोनों प्रेजेंट होती है। तो देखो जो ट्रू हर्मेटोफ्रोडाइटिस जो होते हैं ना, उसके अंदर टेस्टिस ओवरी दोनों प्रेजेंट होती है, तो उसके अंदर क्या होंगे, अपने कुछ फीचर मेल के होंगे और कुछ फीचर जो है अपने फीमेल के प्रेजेंट होंगे। बट अपने सीडो हर्मेटोफ्रोडाइटिस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर गोनेट्स तो एक ही सेक्स के रहेंगे, मतलब मान लो उसके अंदर टेस्टिस है तो उसके टेस्टिस ही रहेगी, ओवरी है तो ओवरी ही रहेगी, बट उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो डेवलप होने लगते हैं। जैसे अगर मेल है तो उसके अंदर गायनेकोमास्टी हो जाएगा, फीमेल है तो ज्यादा हेयर आने लगेंगे, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सीडो हर्मेटोफ्रोडाइटिस। देन यहाँ पे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल एनाटॉमी का पॉइंट है वो अपने होने वाला वेरिकोसील के बारे में। तो देखो आपको पता है अपने टेस्टिस का सारा वीनस डेनस जो है अपनी जो वेन करते हैं उनका पूरा प्लेक्सिस होता है, और उसको अपन बोलते हैं पैम्परीफॉर्म प्लेक्सिस। तो अगर अपना यही वेन के अंदर डायलेटेशन हो जाता है, देन इस कंडीशन का अपन बोलते हैं वेरिकोसील। मतलब वेरिकोसील क्या होता है, यहाँ पे पैम्परीफॉर्म प्लेक्सिस जो है वेन का, उसका अपना डायलेटेशन हो गया। तो ये सारे मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने बता दिए टेस्टिस की क्लिनिकल एनाटॉमी पे। और देखो अपन सारे क्लिनिकल एनाटॉमी जो है मैं आपको बीडीसी से ही बताता हूँ, क्योंकि बीडीसी में बेस्ट लिखा हुआ है, तो आप बीडीसी से पढ़ना। तो कभी भी अगर यूनिवर्सिटी में टेस्टिस ऐसे लॉन्ग में आ गया या फिर शॉर्ट में भी आ गया, तो अगर आप उसके नीचे दो तीन क्लिनिकल पॉइंट अगर लिख दोगे ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप ये अनडिसेंड टेस्टिस, वेरिकोसील वाला पॉइंट, हर्मेटोफ्रोडाइटिस और एप्टोपिक टेस्टिस, ये सारे पॉइंट जो है आप यूनिवर्सिटी में लिख के आ सकते हैं। और ये सारे आपको भी इतने डायग्राम हैं, और ये मेरा नोट्स का स्क्रीनशॉट जो है अपने बीडीसी का, ये सब इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।